ग्वालियर जिले में थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी सारिका नगर में रहने वाले रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर आशाराम गौतम के साथ लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर गौतम ने अपने रिटायरमेंट राशि लगभग 9 लाख रुपए को ताराचंद नामक व्यक्ति के साथ एक लिखित एग्रीमेंट कर 11 अक्टूबर 2022 को जमीन खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया था। वहीं आरोपी ताराचंद और उसके साथियों ने 25 जनवरी 2023 तक उनसे लगभग 9 लाख रुपये वसूल लिए, लेकिन जमीन का ना ही रजिस्ट्री की और ना ही उनकी रकम लौटाई। वहीं अब इस घटना के एक साल बाद पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत पर मोहना के रहने वाले ताराचंद सहयोगी और रामसेवक और उनकी पत्नी मीना के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। थाना ठाटीपुर में हमारे पुलिस विभाग के रिटायर्ड इंस्पेक्टर आसाराम गौतम द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला था उस पर उन्होंने मोहना में एक ताराचंद नामक व्यक्ति के कहने से एक ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके RTGS से पैसा दिया, टोटल 9 लाख रुपये दिए और इसके बाद दोनों द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई, दो व्यक्तियों द्वारा तो ना रजिस्ट्री कराई गई ना उनका पैसा वापस किया गया। तो उनकी रिपोर्ट पर से धारा 420 406 अमानत में ख्यानत की रिपोर्ट दर्ज की गई है और प्रकरण में विवेचना की जाए।